सो है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेज न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो। तो अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पहले तो मैं एक गेमिंग वीडियो डालने वाला था, एडिटिंग मेन होती है जो कि ढंग से नहीं हुई, तो मैंने उसे अपलोड करने ही वाला था। 38% हो चुका था बट मैंने नहीं की, ऑडियंस के लिए एडिटिंग मेन होती है। और हमारे पास है एक फेविकोल, आपको पता ही होगा फेविकोल एक सुपर ग्लू होता है जिसे हम किसी चीज़ को चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम आपको बताएं कितना स्ट्रांग होता है, अगर हम इसको अपने हाथ में ऐसे जकड़ के 2-3 मिनट रख ले तो हमारी स्किन भी छूट सकती है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें हम इस छोटे से ट्यूबलाइट के ऊपर वाले, जो व्हाइट वाली ट्यूबलाइट होती है उसके ऊपर वाले को छुड़ा कर हम पानी डालेंगे और पानी में करेंगे एक्सपेरिमेंट, और तेल में भी करेंगे। बट तेल मेरा नीचे रह गया, जरा बंद करना। तेल भी मैं ले आया हूँ तो जल्दी से इसको फाड़ते हैं। और पहले तो इसको फाड़ते हैं। आपको पता ही है प्ले, और घर में ऐसा कुछ ट्राई मत करना। हाँ, ये हमारी तरफ से आपको वार्निंग है कि घर पे कुछ ट्राई मत करना। आज का जो लाइक टारगेट है वो 17 लाइक्स। आप मेरे को बताया मेरी 105 सब्सक्राइबर्स हैं, आप करा दोगे, और 10 शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले इसको हम रिएक्शन के साथ करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज करेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स पहले पानी के ऊपर ग्लू डालेंगे फिर ग्लू के ऊपर पानी डालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं ताकि अच्छे से निकल जाए थोड़ी बहुत ग्लू। इसमें डाल देते हैं हम पानी, थोड़ा ही डालना था, ज्यादा नहीं डालना। अरे भाई कैमरा मैन ऊपर की तरफ। अब मैं डालने वाला हूं इसको, 3-2-1 एंड गो। सो गाइस, इसमें हमें क्या दिखाई दिया आप खुद ही देखिए कि इसमें नीचे जाके ये छोटे छोटे से गोले बन चुके हैं, छोटे छोटे से। थोड़ी सी और ग्लू डाल के देखते हैं, जैसे कि ये ऊपर गोले में बन रहा है वैसे ही ये नीचे जाके गोला छूट जा रहा है। तो इसको बाहर निकालते हैं, बट ये बहुत ही सॉफ्ट है। और ये गाइस मेरे हाथों पे चिपक गया, गाइस देखिए, गाइस हाथों पे चिपक चुकी है ग्लू। ये मैंने सोचा थोड़े से कड़क होंगे बट ये बहुत ही सॉफ्ट थे। अब इसको छुड़ाना बहुत महंगा जाएगा, तो इसको फेंकते हैं इधर। और यार इसमें लग गया ये, इसको छुड़ा के आपसे मिलते हैं। सो अब मैं इसको इसमें डालूंगा, देख सकते हैं आप, मैंने 4-5 बूंदे डाल दी हैं। एक और डाल देता हूं आपके सामने, तो अब देखेंगे कि इस ग्लू का क्या असर पड़ता है। और एक तो ये चिपक जा रहा है हाथ में, इस ग्लू का क्या असर पड़ता है इस पर, क्या ये बनेंगे वैसे गोले। भाई कैमरामैन ऊपर आ जाओ, जैसे आपको समझाया है। गाइस ये पिछली बार वाला ही रिएक्शन है, पानी के साथ ग्लू मिक्स होगी तो पिछली बार भी बॉल्स बनी, इस बार भी बॉल्स बनी। देखिए आप देख सकते हैं, अब मैं इसको इस कंपास से देखिए, ऐसे ये जो है स्मूथ सा मटेरियल निकल रहा है। अब देखते हैं कि तेल के ऊपर भी ये काम करेगा चीज की नहीं। भाई तेल लाओ। सो गाइस ये तेल है, आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको यहाँ दिखा के डाल के भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं तेल है, थोड़ी ही क्वांटिटी डालेंगे तेल की, और इसमें भी डालेंगे ग्लू। ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें देखते हैं क्या रिएक्ट करता है ग्लू। तो मेरे हिसाब से कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है गाइस, अभी देखिए बूंद जा रही है। ये तो खत्म हो गया, दूसरा भी निकालते हैं अभी। सो ये तो हो गया खत्म, इसको डालते हैं देखते हैं। तो गाइस ये तो ऊपर ऊपर ही रह जा रहा है, आप देख सकते हैं इसका तो कुछ रह ही नहीं रहा है। देखिए आप देख सकते हैं इसको तो कुछ रह ही नहीं रहा है, ये नीचे जाके बैठ जा रहा है और बैठ के जम जा रहा है, इसका तो कुछ रिएक्शन ही नहीं है भाई। देख सकते हैं अब इसको इसमें पानी में कर देते हैं मिक्स हम। कैमरामैन भाई बंद कर दे।
सो गाइस इसको मैंने ढंग से धो दिया है, इसके अंदर बिल्कुल तेल नहीं लगा बचा, बाकी रंग रंग बचा है। तो अब इसमें भी हम फेविकोल डालेंगे और इसके ऊपर से तेल डालेंगे, देखते हैं वही रिएक्शन होता है। ये भी नीचे बैठ जाता है। इसमें मैंने डाल दी है 6-7 बूंदे, इसके ऊपर थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। ये तो वही रिएक्शन कर रहा है जो मैंने देखा, ये ग्लू यहाँ था, यहीं के यहीं रह गया। तो तेल के साथ तो ये रिएक्ट नहीं करता है, तेल के साथ ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है। इसको भी यहाँ घोल देते हैं, अब इसको यहाँ छोड़ देते हैं। तेल के साथ तो गैस ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, और पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। पानी के साथ इसके बुलबुले बन जाते हैं और तेल के साथ ये बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। अभी केमिकल्स का कमाल है कि किस चीज़ का हमें नहीं पता, और मुझे पता है आप, मुझे ये नहीं पता कि केमिकल का कमाल है कि पानी का कि तेल का कमाल है। मुझे ये पता है कि आप 17 लाइक आप जरूर कंप्लीट करा देंगे, आपकी वजह से मेरे हाथ, सॉरी आपकी ये वीडियो बनाते बनाते मेरे हाथ हो गए हैं एकदम सूखे सूखे, इसमें ग्लू चिपक गई है। अरे बच्ची है थोड़ी सी ग्लू, ये भी बच्ची है, इसको थोड़ा सा यूज कर लेंगे हम, यूज में आ जाएगी। के लिए 17 लाइक के लिए जो है इस वीडियो को तैयार कीजिए प्लीज, 17 लाइक्स ठोकिए गाइस, व्यूज अच्छे आए आपकी वजह से, आप भी देखेंगे, आप ही मैं प्रमोट करेंगे। और गाइस 20 तारीख का जो व्लॉग है वो जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत ही ऑसम एंड अच्छा होने वाला है। सो आई होप आप डू एंजॉय दिस एक्सपेरिमेंट वीडियो, इफ यू एंजॉय लाइक शेयर कमेंट। Thank you so much for watching. Bye.